हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। यार क्या क्या करना पड़ता है यार, क्या क्या करना पड़ता है। खैर अब बात करेंगे हम लोग इन्फिनिट मूवी की, जो कि हॉलीवुड की लेटेस्ट मूवी है। एंड आई वाज वेरी एक्साइटेड टू वॉच दिस पर्टिकुलर मूवी ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ मार्क वॉलबर्ग। यार मैं उनकी हर एक मूवी देखता हूँ। खैर मूवी की ओवर लेंथ 1 आवर 45 मिनट की, और ये आपको सिर्फ इंग्लिश में देखने को मिल जाती है। कहानी फोकस करती है कुछ ऐसे लोगों पे जिनको इन्फिनाइट कहा जाता है। अब इनके पास रेइनकार्नेशन यानी कि पुनर्जन्म लेने की पावर्स है, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि ये लोग जब भी पुनर्जन्म लेंगे तो इनके पिछले जन्म में ये लोग क्या थे, इनका नाम क्या था, सब कुछ इनको याद रहेगा। खैर अब इस इन्फिनाइट पीपल्स में दो ग्रुप्स है। पहले ग्रुप का नाम है बिलीवर्स, जिसमें हमारा हीरो जो मेन कैरेक्टर है इवान भी है। अब बिलीवर्स मोस्टली चाहते कि इस पावर से वो लोग ह्यूमैनिटी की हेल्प कर सके, उनको प्रोटेक्ट कर सके। वही दूसरा ग्रुप है निहिलिस्ट, जो कि विलन ग्रुप है। इसमें है बैटर्स, जो कि हमारी इस मूवी के विलन है। वो चाहते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी को मिलाकर किसी भी तरह से ये सारी चीज़ों को ख़त्म कर दे। खैर अब उसके बाद कहानी में क्या कुछ चीज़ें आती है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। देखो यार, इस मूवी का आइडिया सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा बहुत ही गजब का, बहुत ही यूनिक है। यस, आपको पेपर्स पे ये बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप लोग जब इस मूवी को देखोगे तो एटलीस्ट मुझे ये बहुत ही डम आइडिया लग रहा था। मतलब आप ऐसा लग रहा था कि एक नेवर एंडिंग आइडिया जिसका कोई टुक नहीं निकल रहा, मतलब समझ के बाहर था। अब बहुत सारे चूतिए लोग आके मुझे इस पर अगर ज्ञान छोड़ेंगे तो मैं उसको एक ही चीज़ बोलूँगा कि यार सॉरी फॉर माई बैड लैंग्वेज, बट जब हम लोग किसी मूवी के लिए अपना लाइफ के 2 घंटे दें और वो मूवी उस लेवल की ना हो या मज़ा ना आए, तो फिर वो मूवी के बारे में हम खुल के कुछ भी बोल सकते हैं। और आप लोग को भी अगर मेरा वीडियो पसंद नहीं आता तो भाई खुल के जो बोलना है बोलो, मुझे घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ रहा अभी। सच में मेरा मूड पूरा ख़राब हो गया है। तो उसके अलावा मूवी में कैरेक्टर्स की बात करें तो देखिए, यहाँ पर इवान जो कि एक मेन कैरेक्टर है उसके बारे में चीज़ें बताई है, लेकिन उसको भी इतनी अच्छी तरह से डेवलप नहीं किया कि यार हम लोग उससे एक कनेक्शन बना पाए। और जो बैटर्स थे उसके बारे में भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ चीज़ें बताई ही नहीं, तो एक कैरेक्टराइजेशन जो होना चाहिए ना वो फील नहीं होता है। सिनेमेटोग्राफी की बात करें तो यस, यहाँ पर आपको बहुत सारे CGI देखने को मिलेंगे, और भाई इस लेवल के CGI के मतलब आप लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर एक्शन सीक्वेंस की बात करें तो मूवी का फर्स्ट सीन ही है जहाँ पर हमें एक गजब का कार चेजिंग सीन देखने को मिलता है, जिसको देख कर ऐसा लगता है कि हम लोग फास्ट एंड फ्यूरियस की कोई मूवी देख रहे हैं। और लिटरली उसके बाद एक और कार चेजिंग सीन आता है, उसको भी देख कर हमको ऐसे ही लगता है, मतलब एक्शन अच्छा है लेकिन कहीं ना कहीं वो फिर थोड़ा थोड़ा मजाकिया वे में चला जाता है। अभी वही सेम चीज़ जब हम लोग हिंदी फिल्म में देखें वही ओवर द टॉप एक्शन, तो हम लोग कितनी हंसी आती है, कितने मजे लेते हैं, लेकिन हम लोग जब हॉलीवुड मूवी में देखो तो हम लोग कितनी तारीफ करते हैं। और लिटरली जब इसका क्लाइमेक्स था, जो क्लाइमेक्स में जो जो चीज़ें होती है मार्क वॉल्बर्ग और उस बैटर्स के बीच में, भाई मैं हंस रहा था, लिटरली हंस रहा था। अनएक्सपेक्टेड यार, मतलब क्या बोलूँ। चलो मूवी है, एंटरटेनमेंट के हिसाब से ठीक है, लेकिन जब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार वो कुछ ज़्यादा ही ओवर हो रहा है तो फिर मैं बोलता हूँ। और फास्ट एंड फ्यूरियस में भी यही सारी चीज़ें होती है जो मतलब बहुत ही हिलेरियस होती है, लेकिन जो हिंदी ऑडियंस है भाई उनको बहुत मज़ा आती है। नहीं, हॉलीवुड मूवी यार, हॉलीवुड मूवी। अबे यार, या अगर तुम लोग हिंदी फिल्म को क्रिटिसाइज़ कर सकते हो तो यार हॉलीवुड को भी क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। कई कहीं पे वो लोग सीरियसली हक देते हैं, और यहाँ पर भी जो क्लाइमेक्स में किया है वो मेरे हिसाब से हगा है और कुछ नहीं यार। मतलब मज़ा ही नहीं आया क्लाइमेक्स देखकर, भले बहुत सारा CGI आया था उसके अंदर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मतलब हॉलीवुड मूवीज़ में होती है, लेकिन फिर भी क्या बोलूँ यार। BGM अच्छा है, ओके है, मतलब ज़्यादा कुछ बढ़िया नहीं है, ओके है। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो डायलन और ब्रायन यहाँ पर एज अ कह सकते हो छोटा सा रोल है यार, मतलब स्टार्टिंग में वो नज़र आते हैं, फिर बीच में उनको थोड़ी बहुत ऐसी झलकी होती है, एकदम ना के बराबर, मतलब वो समझ लो मुझे लगा था कि वो पूरी मूवी में रहेंगे, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मार्क वॉलबर्ग जिसके लिए मैंने ये मूवी देखी है वो स्टार्टिंग से एंड तक मूवी में है। उनका परफॉर्मेंस एज यूजुअल हमेशा अच्छा होता है यार, उनकी फिजिक, उनकी एक्शन करने का जो स्टाइल है, जो डायलॉग्स बोलते हैं वो बहुत ही बढ़िया है। एज अ फैन मुझे बहुत पसंद है। आई वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड कि यार ये मूवी उन्होंने क्यों साइन की, मतलब मुझे ये मूवी अच्छी नहीं लगी यार। और शायद आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी, तो यार वेरी गुड है, सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं। पेरेंटल गाइडेंस की बात करो तो इस मूवी में कुछ भी एडल्ट सीन है नहीं, तो आप लोग चाहो तो ये आपके घर पे बैठ के देख सकते हो। मैं इस मूवी को रेटिंग दूंगा 5.5 out of 10। इट्स एन बिलो एवरेज मूवी फॉर मी, बट अगर आप लोगों को ये बहुत अच्छी लगती तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये मूवी आपको कैट मूवी, SG, डिजायर मूवीज, मूवी फ्लेक्स जैसे साइट्स पर मिल जाएगी, ना तो देखो भाई आपकी मर्जी यार। वैसे भी 150-200 लोग देखते हैं, मुझे अभी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इस चैनल को लेकर। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन।